कहते हैं एक चींटी ही काफी है हाथी को मरने के लिए। यहां तो तीन तीन थी। जी हाँ दोस्तों, क्यू मूवी का ये डायलॉग जो अभी अभी फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें तीन एयर होस्टेस हैं, इनके जीवन पर ये कहानी आधारित है। ये स्टोरी में बताया गया है, द नेम ऑफ द एयरलाइंस इज कोहिनूर एयरलाइंस एंड दीज आर थ्री एयर होस्टेसेस वर्किंग, मतलब ये तीनों एयर होस्टेस इस कोहिनूर एयरलाइंस में काम कर रही है। अचानक ये एयरलाइंस जो है वो सैलरी देना बंद कर देती है। ऑलमोस्ट 6 months दे डोंट गेट सैलरी। और उसके बाद पता चलता है ये कोहिनूर एयरलाइंस का जो मालिक है ही इज बैंकक्रप्ट, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, अभी सैलरी कहां से देगा। आपको कुछ कुछ याद आया ये किस पर बेस्ड होगी? यस, योर गेस इज राइट। जब एयरलाइंस की बात आती है तो क्यों ना हम कुछ देखते हैं एयरलाइंस से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है एल। लुक एट द स्पेलिंग, एस है लेकिन उच्चारण एस का नहीं करना है। एल इज द स्पेस व्हिच इज एम्प्टी इन द प्लेन वेयर यू कैन इजीली वॉक। जी हाँ दोस्तों, सीट्स छोड़कर बाकी जो स्पेस होती है उसे एल बोला जाता है। सीट, एल सीट इज द सीट व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू एल। इसका मतलब चलने के लिए जो जगह है ना एरोप्लेन में, उसके जस्ट बिसाइड जो सीट होती है जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं उसे एल सीट बोला जाता है। आगे का वर्ड है बोर्डिंग पास। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, बोर्डिंग पास इज अ पास, इट इज एज गुड एज अ टिकट। When you enter into the plane, you have to hand over the ticket to the crew. मतलब आपके लिए स्वागत के लिए जो एयर होस्टेसेस खड़ी रहती है वहां पर हमें ये बोर्डिंग पास देना पड़ता है। It is a ticket to enter into the plane. मतलब एरोप्लेन में एंटर करने के लिए। Call light is the button which is present in the aeroplane. If you want to call any crew, मतलब आपको क्रू मानी एयर होस्टेस को बुलाना है, जस्ट टू आस्क फॉर वाटर और कोल्ड ड्रिंक और एनीथिंग, किसी बात के लिए उनको अगर बुलाना है तो वी प्रेस दैट प्लेस वेयर कैप्टन एंड को पायलट सिट्स। इसका मतलब एरोप्लेन में ऐसी जगह जहां पर को पायलट और कैप्टन ऑफ द एरोप्लेन बैठता है, इसे बोला जाता है कॉकपिट। इसका पार्ट टू भी आएगा कल, क्योंकि क्रू जारी रहेगा। एक चींटी ही काफी होती है हाथी को मारने के लिए, यहां तो वो तीन तीन चींटियां हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।